नमस्कार, डिजिट में आपका स्वागत है। और 7 तारीख की डेडलाइन है TRAI ने जो की है ये फ्री बेसिक्स और नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट के लिए। और हम यहाँ पे एक पार्क में आए हैं हमारे ऑफिस के पास, जहाँ पे बहुत सारे लोग लंच के लिए गैदर करते हैं। और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो जानते हैं फ्री बेसिक्स क्या है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, और हम उन्हें बताएंगे। हम उनकी राय जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं फ्री बेसिक्स की सर्विस के बारे में, और क्या वो चाहते हैं कि ऐसी एक सेवा इंडिया में लागू हो। गेम लोड फ्री में हो जाए, फेसबुक ही फ्री हो जाए, वही बहुत है। फ्री का तो हर कोई लपकना ही चाहता है। अगर गवर्नमेंट हमें फ्री कोई चीज दे रही है वो सेवा होना चाहिए। गवर्नमेंट डिजिटलाइजिंग एवरीथिंग। कुछ कुछ जगहों पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगा दे तब भी ये फ्री बेसिक जैसी सुविधा होनी चाहिए। नेट अरविंद केजरीवाल के बाप का थोड़ी है। पैसा कितना ले, नेटवर्क अच्छा दे। क्यों फेसबुक दे रही है तो ये चीज गलत है। फेसबुक कोई दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दे रहे मैम, तो फिर नहीं दे। गवर्नमेंट ये काम कर दे कभी जाएगी नहीं, किसी की सरकार दूसरी आएगी नहीं। आप लोगों में से कौन कौन इंटरनेट यूज़ करता है अपने मोबाइल पे? आप सब इंटरनेट यूज़ करते हैं? आप भी? अच्छा, तो आप लोगों को फेसबुक की फ्री बेसिक सुविधा के बारे में पता है? आप में से कितने लोगों को पता है, आप हाथ उठाइए। आप लोगों को पता है और आपको नहीं पता है फेसबुक की फ्री बेसिक सर्विस के बारे में। तो हम आपको पहले बताएंगे कि फेसबुक की फ्री बेसिक सर्विस है क्या। फेसबुक कह रहा है कि वो आप लोगों को फ्री इंटरनेट की एक सुविधा देगा एक एप्लीकेशन के थ्रू। एक वो एप्लीकेशन में फ्री इंटरनेट आपको देंगे, बट उसमें कुछ ही सेवाएं होंगी जो फ्री होंगी। उनमें से एक होएगा फेसबुक और बाकी कुछ जनरल सुविधाएं होंगी जो सेव फ्री होंगी आपके लिए। उसमें आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, उसमें आप बड़े साइज की इमेजेस नहीं देख पाएंगे, उसमें कुछ बहुत ही बेसिक सर्विसेज होंगी जो फ्री होंगी इंटरनेट के लिए। तो आप ऐसी सुविधा पाना चाहते हैं? आप में से जितने लोग पाना चाहते हैं अपना हाथ रेज कीजिए प्लीज़। आप लोग सब पाना चाहते हैं, पर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो एक सुविधा है ये नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आप कुछ ही चंद सेवाएं फ्री में नहीं दे सकते। अगर आपको फ्री में सेवाएं देनी है तो सारी सेवाएं फ्री में देनी होंगी, क्योंकि ये पार्शियलिटी हो जाएगी कि अगर फेसबुक को ही मिलेगा एक जरिया जिससे वो फ्री सर्विसेज देंगे, तो बाकी सबको एक ऐसा जरिया चाहिए होगा जिससे वो फ्री सर्विस दे सकेंगे। तो आपको लगता है ये ठीक है कि फेसबुक एक जो कंपनी है मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, क्या वही एक कंपनी है जिसको ये सुविधा देने का एक राइट मिलना चाहिए कि बाकी सबको भी मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए, राइट? मैं ये जानना चाहता हूँ लोगों से जिन्होंने हाथ ऊपर किया था इंटरनेट यूज़ करने के लिए अपने फ़ोन पे, पहली बात वो प्रीपेड यूज़ करते हैं या पोस्टपेड अपने नंबर्स पे? पोस्टपेड। अच्छा, और आपको कितना लगता है, आप कितना महीने में आप खर्चा करते हैं इंटरनेट पे? कम से कम 200-300 रुपये हो गए। 200-300 रुपये महीने का? 6000 रुपये। 6000 रुपये का इंटरनेट हर महीने का? तो आप क्या क्या करते हैं इंटरनेट पे? इंटरनेट चलाता हूँ, कैसे करते रहते हैं पैसे, रिचार्ज कराता रहता हूँ। और अगर आपको कहा जाए कि अगर आप कोई पैसे ना दे लेकिन आपकी जितने भी इंटरनेट की सुविधा है वो बहुत बेसिक हो जाएगी, जैसे कि आप सिर्फ थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा फेसबुक एक्सेस कर पाओगे, तो क्या आप इंटरनेट के लिए पैसे देना बंद कर दोगे अगर आपको ये सुविधा, बहुत कम सुविधा है, बहुत लिमिटेड सुविधा है फ्री में मिले तो? नहीं, बंद नहीं करेंगे, है ना? तो जैसे कि अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है या कुछ करना है उसके लिए आप पैसे देना चाहेंगे? एक बार में ही बहुत पैसे कट जाते हैं। तो आप जितने भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं आप ये बता सकते हो कि आप कौन सी फीचर्स ज्यादा यूज करते हो? वीडियो देखते हो, फेसबुक करते हो, क्या क्या करते हो? जो यूट्यूब ज्यादा और ब्राउजर जैसे व्हाट्सएप हो गया, सारा कुछ यूज करते हैं। और आप? यूट्यूब, व्हाट्सएप और यही फेसबुक। अच्छा, आप तो फिल्में देखते हैं? मैं तो सब देखता हूं। आप इंटरनेट यूट्यूब सबसे ज़्यादा। अगर आपको ऐसी सुविधा दी जाए और आपको बोला जाए कि आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन कटवा दीजिए, बस आप ये सुविधा रखिए जिसमें आपको फेसबुक यूज करने को मिलेगा, थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ने को मिलेगा, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप? आप नहीं कटवा सकते कभी भी, मतलब इंटरनेट की तो जरूरत हमें पड़ सकती है कभी भी, कुछ भी जैसे मैप देखना हुआ कहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं और भी, मतलब। अच्छा, तो जितने आप लोग, रेलवे का रिजर्वेशन कराना है, कुछ देखना हुआ, चीज़ तो सर हम इंटरनेट से ही हो रहा है तो कनेक्शन क्यों बंद कर देंगे? व्हाट्सएप और इंटरनेट, फेसबुक से तो सारा चीज़ तो हो नहीं। आपने मुझे पहले बताया था कि आप फेसबुक की फ्री बेसिक सर्विस के लिए आपने TRAI को लिखा भी है, तो आपने क्यों लिखा है TRAI को? आप क्यों सोचते हैं कि फेसबुक की ये सर्विस आनी चाहिए? मेरे पास मैसेज है, मुझे ये नहीं पता था कि मतलब सारी चीज़ें मतलब फ्री हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा चलो फेसबुक ही फ्री हो जाए वही बहुत है।
यहाँ पे हमारे पास कुछ नए लोग भी आए हैं पीछे। अगर अगर इंटरनेट की सुविधा आगे दिनों में अगर फ्री हो सकती है तो ऐसी कौन सी सुविधाएं होगी जो आप चाहो कि फ्री में मिले, अगर इंटरनेट फ्री में मिले तो फ्यूचर में? गेम लोड फ्री में हो जाए। अच्छा। और आप? YouTube। जी सर, YouTube। आप में से किसी ने कुछ बोला नहीं है, आप बताइए आप इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? मैम, इंटरनेट पे सारी चीजें बराबर ही यूज करता हूँ और अच्छा। मैं क्रिकेट ज्यादा देखता हूँ इंटरनेट पे। क्रिकेट ज्यादा देखते हैं। तो ये जो फ्री बेसिक्स की सुविधा है इससे आप लोग कोई वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि वीडियो देखने के लिए बहुत डेटा चाहिए होता है और बहुत हैवी होता है वीडियो, तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो फिर भी आप ये सुविधा को इस्तेमाल करेंगे? यस मैम, फिर भी इस्तेमाल। फिर भी इस्तेमाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल? मैम सपोज दैट जैसे कि कभी कभी हमारे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाता है तो मैं ये फेसबुक ओपन करके किसी को मैसेज पहुँचाना हो तो मैसेज पहुँचा सकते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है फेसबुक के थ्रू हम दे सकते हैं। अच्छा, और आप? जी मैंने भी, अगर ये सारी सुविधा हमको फेसबुक के ऑल मिलेगी फ्री में तो मैं इसको इसी के माध्यम से रखूँ, जैसे सपोर्ट डेट मैं कहीं जा रहा हूँ हमारे मोबाइल में नेटवर्क खत्म हो गए तो उसके माध्यम से मैं किसी को मैसेज दे सकूँ या किसी मतलब जो भी हो मैं रिक्वायरमेंट अपने अगले दोस्त तक पहुँचा सकूँ, इसलिए मैं इसको विदाउट मैं नेटवर्क के लिए यूज़ करना चाहूँगा। और गवर्नमेंट हमारी ये कह रही है कि हम फेसबुक को एक ये दावा नहीं दे सकते कि आप ही ये फ्री बेसिक्स की सर्विस चलाएंगे क्योंकि फिर अगर फेसबुक आज शुरू करेगा तो कल गूगल भी शुरू करना चाहेगा और 10 कंपनियां ऐसी शुरू हो जाएंगी जो अलग अलग सिर्फ अपनी सर्विसेज और कुछ और बेसिक सर्विसेज फ्री में देंगी। आपका इसके बारे में क्या राय है? जैसे कि हमको फेसबुक आज नेट सर्विस फ्री में दे रहा है तो गूगल अगले भी इसमें अगर देगी तो बेटर रहेगा हमारे लिए कि हम आगे और भी कोई भी साइट ओपन करना हो तो गूगल से ओपन कर सकते हैं। अच्छा, बट आप ये नहीं समझते कि एक ही कंपनी को इस पे मोनोपोली देना गलत है? बिल्कुल, ये तो एक ही कंपनी का केवल फेसबुक दे रही है तो ये चीज गलत है। अच्छा। और भी कंपनी को हमें देना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, आप सब लोग एक एक करके मुझे बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट को परमिशन देनी चाहिए सर्विस के लिए कि नहीं, पहले आप बताइए। ये अगर फेसबुक को ही दे रहे हैं बाकी किसी को नहीं दे रहे मैम तो फिर नहीं देना चाहिए। अगर केवल फेसबुक को दे रहे हैं तो 100% और भी कंपनियों को मिलनी चाहिए। अच्छा, सबको मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, देनी चाहिए जी। अच्छा, और जो ये फ्री बेसिक्स है उसके तौर पे ऐसा लिखा गया है कि अगर एक कंपनी को अपनी सुविधा फ्री में देना चाहते हैं तो वो फेसबुक के साथ एक बिजनेस डील कर सकते हैं और फिर उनकी सुविधा ये फ्री बेसिक्स के थ्रू आ सकती है। तो जैसे कि हम एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, अगर फ्लिपकार्ट, आप सबको पता है फ्लिपकार्ट क्या है, स्नैपडील, हाँ, आप सब में से किसी ने शॉपिंग की है? हाँ, तो आप सब में से किसी ने शॉपिंग की है ऑनलाइन साइट्स पर? हाँ जी। अच्छा, तो अगर आपको कहा जाए कि फ्री बेसिक्स के ज़रिए आपको सिर्फ एक ही, चाहे वो अमेज़ॉन हो, स्नैपडील हो या फ्लिपकार्ट हो या कोई एक ही ज़रिया मिल सकता है शॉपिंग करने के लिए, तब भी आप फ्री बेसिक्स को सपोर्ट करोगे? अगर आपको फ्री बेसिक्स के थ्रू इंटरनेट फ्री मिल रहा है और उस फ्री इंटरनेट के ज़रिए से आप सिर्फ फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फ्री की आएगा उसमें फ़ायदा क्या? अब हमारा जिससे मन करेगा मुझसे शॉपिंग कर लेंगे, उस पर महंगा मिल रहा है उस पर थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो ये भी तो फ़र्क हो जाता है। फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, उसके बाद स्नैपडील पे अलग अलग जो है प्रोडक्ट, अगर हमें लगेगा कि ये अच्छा है तो हम सर हमें अगर फ्लिपकार्ट अगर केवल सर्विस अगर फ्री में दे रही है तो मैं बिल्कुल इसको यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अदर्स भी हमारी कंपनी है उस पर बहुत अच्छे ऑफर देती है, जैसे फ्लिपकार्ट में हमारे को ऑफर बहुत कम मिली, अगर हम इसको अमेज़न ऑन पर सेव करूंगा तो उसमें ज़्यादा मिलेगी, या स्नैपडील पर या शॉपक्लूज पर मैं जो भी साइट पर ओपन करूंगा तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, उसी से मैं शेयर करूंगा। फेसबुक एक ऐसा है कि हम अपने यारों दोस्तों को अगर सपोर्ट एट किसी माध्यम से नेटवर्क नहीं मिला, हम इंटरनेट के माध्यम से आगे किसी तक पहुँचा सकते हैं, इसलिए उसको फ्री में मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाकी क्यों है, मुझे रिलायंस अभी फ्री दे रही है, रिलायंस का भी कोई भी जीएसएम पोस्टपेड कोई दे रहा है, रिलायंस हमें फ्री दे रही है। मैं आखिरी में आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है क्या ज्यादा जरूरी है, ये फ्री इंटरनेट की एक सेवा या फिर इंटरनेट को फेयर रखना, मतलब कि इंटरनेट में कोई बायस नहीं आना चाहिए? अगर फेसबुक ऐसी सेवा शुरू करती है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट में बायस आ जाएगा, लोग अपनी सेवाएं शुरू करना चाहेंगे और ये फेसबुक को ही एक मौका नहीं मिलना चाहिए ऐसा करने के लिए, इंडिया में वैसे ही गवर्नमेंट को फ्री इंटरनेट देना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सेवा या इंटरनेट फ्री रहे? इंटरनेट फ्री रहेगा 12 साल उसमें फायदा क्या है ना, फ्री का क्या, फ्री का तो कुछ मिले इंडिया में तो फ्री का तो हर कोई लपकना ही चाहता है। हाँ जी, है ना, अभी सरकार कहते हैं वहाँ वो लग रहा है भंडारा, दुनिया भर की भीड़ हो जाएगी वो, तो फ्री का तो फ्री है ही ना। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या कर सकती है इंटरनेट फ्री करने के लिए? मेरे हिसाब से पैसा कितना ले, नेटवर्क अच्छा दे,
ताकि हमें कभी नेटवर्क बिजी ना मिले। जैसे अभी न्यू ईयर था उस पर हम नेट कर रहे थे तो बिजी जा रहा था, मतलब पैसा की कोई दिक्कत नहीं है पर नेट अच्छा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सब जगह फ्री वाईफाई लगा दे, कुछ कुछ जगहों पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट जो गवर्नमेंट का प्लान है लगाने का, अगर वो लगा दे तब भी ये फ्री बेसिक जैसी सुविधा होनी चाहिए? गवर्नमेंट ये काम करते कभी जाएगी नहीं, तो किसी की सरकार दूसरी आएगी नहीं। अगर गवर्नमेंट वाईफाई फ्री कर दे, अब केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में वाईफाई फ्री कर दूंगा, तो केजरीवाल के इस बेसिस पे कितने वोट मिले? पर अभी तक हुआ फ्री वाईफाई? अब ये होटल जो भी है वाईफाई फ्री करने का दावा करते हैं, आप चलाओ नेट आपका चलेगा ही नहीं। बस यही थे हमारे सवाल फ्री बेसिक्स के बारे में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने जो दोनों तरफ की फाइट आपको बताई है, जो फेसबुक कह रहा है फ्री इंटरनेट के बारे में और जो गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं सब कुछ फ्री होना चाहिए या सब कुछ पेड होना चाहिए, आपको हमसे जानकारी जो मिली है? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट हमें फ्री कोई चीज़ दे रही है तो सेवा होना चाहिए। अगर हमें फ्री मिले उसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँ तो इस फ्री से मुझे मतलब क्या है? फ्री मिले तो बहुत सपोर्टेड, जैसे कि हमारी जितने भी वाईफाई सर्विस मिल रही है, जैसे कि सर अरविंद केजरीवाल ने बहुत जगह मेट्रो स्टेशन पर बहुत जगह वाईफाई फ्री सुविधा दे रही है, आधे घंटे के लिए दे रही है, लेकिन वहाँ जाने के बाद कनेक्ट कर रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं तो उसे देने से कोई फायदा? अरविंद केजरीवाल के थोड़ी है कि फ्री कर देगा नेट, अरविंद केजरीवाल के बाप का थोड़ी है। ठीक है उनकी नहीं है, लेकिन हमें अगर फ्री मिल रही है, अगर कस्टमर को बताया जा रहा है कि आपको ये सुविधा फ्री मिल रही है तो उसको ऐसा फ्री देगा ताकि वो कामों में किसी में टावर लगा रहे हैं ना, उनको पता है 50-50 लाख रुपए दे रहे, एक को तनख्वाह दे रहे फ्री, उनके घर में लाइट फ्री दे रहे, तो इसका मतलब थोड़ी है सारा खर्चा तो लगाएंगे ये, इतनी सी जमीन पे टावर लगाने का 50,000 रुपए किराया, तो जब वो लोग इतना खर्चा कर रहे थे फ्री थोड़ी दे देंगे केजरीवाल, तो वो होगा रेलवे बुकिंग ऑन अ वेबसाइट बट इन अ विलेज यू डोंट, सो व्हाई शुड द विलेजर्स स्टे ऑन अ वेटिंग लिस्ट? एवरीवन शुड गेट, एब्सोल्युटली, सो सर्टेन बेसिक सर्विसेज शुड बी देयर फॉर एवरीवन व्हिच शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट नॉट फ्रॉम अ प्राइवेट प्रोवाइडर। एवरीबॉडी कैन यूज इट देन इफ द गोल ऑफ द डिजिटलाइजेशन इज कंप्लीटेड, अदरवाइज इट्स अ फेलियर। And what is your opinion on the availability of free internet to everyone, if at least certain accesses should be available but at certain limits and it should be charged, but proper services should be provided. So you companies are not providing proper services. So you don't mind paying for internet so long as the services people are paying, people are paying, they don't mind it. ठीक है, तो ये था हमारे फेसबुक की फ्री बेसिक्स के बारे में जो हम सर्वे करना चाहते थे। आपसे बहुत सारी जानकारी मिली है, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो देयर यू हैव इट, दैट्स व्हाट पीपल थिंक अबाउट फ्री बेसिक्स इन आवर कंट्री। मोस्ट ऑफ देम सीम टू वांट इट, मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट नो अबाउट इट बट व्हेन टोल्ड अबाउट इट दे स्टिल सीम टू वांट इट बिकॉज एज दे सेड यू नो इंडिया में फ्री होएगा तो बिकेगा। Yeah, and also the fact that it's, of course, since Facebook is so popular and if it just gave a pop-up about free basics, a lot of people just went and clicked on it with some degree of ignorance and not knowing what it is about. So just through its sheer brand value, Facebook is garnering a lot of attention without actually people knowing. And of course, we were here talking to the masses who actually are going to be the people that will either benefit or suffer with free basics, whether it comes in or not. So what do you think? Is it more important to get the service out or is it more important to educate people about what they should receive? I think first it's more important to educate people about what the service is and those people who are actually going to use this service. So these are the people, everybody, all of us, the masses, we are the people who are going to use this service and most of us should know about it in all details before choosing if we want it or not. Yeah, but do you also have a feeling that something like free basics is more targeted now? A lot of surveys and a lot of information comes out on the internet which suggests that India has exponentially growth with its broadband consumption, with its internet penetration, especially on the mobile phone. And do you think the free basics thing would help this growth in a more rural sector, in a more rural area where, you know... I feel, as per the recent numbers that I've been reading about, internet penetration in India is actually organically increasing without a free basics platform right now. Yeah, but that's what the point is. It's growing organically for those that can afford it, but for those that need a foot in the door opportunity... No, it's actually growing organically for the rural population as well, because according to the recent reports that I've been reading, 75% of the rural population is expected to boost internet penetration in India. So, which is a big number. 75% is a big number. I think what you can attribute internet penetration is to smartphone growth rather than the growth of a platform like Facebook. That's my opinion. What do you think?
I think we all need free food now. But yes, that was it for our free basics and net neutrality survey in a little park outside our office where a lot of people join in to have lunch. If you like this video, you can always click the like button. If you didn't like it, you can hit the dislike button. As always, for more videos like this, you can hit the subscribe button and let us know what you think about free basics, net neutrality, or any other topic that you think we should debate on in the comment section below. We will catch you in another video on the Digit YouTube channel. It's goodbye from us for now.